मेरे पैर पकड़कर कसम खाने वाले आज मेरी माँ के खिलाफ लड़ रहे हैं प्रियंका गांधी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह पर जमकर बरसी। दिनेश सिंह एक समय कांग्रेस में ही थे और गांधी परिवार के बेहद ही करीब रहे। दिनेश सिंह इस समय सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, कल तक पैर पकड़कर वफादारी की कसमें खाने वाले आज मेरी माँ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो आपके उम्मीदवार हैं वो पहले कांग्रेस में थे, तब मेरे पैर पकड़कर कहते थे, दीदी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपकी पार्टी में रहूंगा। वो आज सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, सोनिया जी ने जो काम करवाया वो आज अधूरे पड़े हैं। इन्होंने जानबूझकर रोके, जिसे बीजेपी दुर्लभ बनाए उससे सबल बनाया जाएगा। 100 दिन से 150 दिन किया जाएगा। किसानों का अलग बजट बनेगा, अलग मंडी बनेगी। आपके सामने ऐसी बात उठाई जाती है जिसका आपको कोई मतलब नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हमने कहा किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, तब इन्होंने कहा देश की अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं है, काला धन 1 रुपया वापस नहीं आया। हमने 5 साल में बीजेपी की सरकार देखी, जिसका अनुभव आपने देखा है, इनके झूठे वादों को आपने देखा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार की असलियत देश के सामने आ चुकी है। रोजगार और किसान की आय दुगनी करने की बजाय बीजेपी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, मैं वाराणसी गई, प्रधानमंत्री किसी गांव में नहीं गई, किसी से नहीं पूछा कैसे हैं आप आगे बढ़ रहे हो। बीमारी के दौरान सोनिया जी बोली कि प्रियंका देखो वहाँ कोई जा रहा है, वो ऐसी नेता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।